हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साई मैथिक्स। सो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा, आई होप आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने उसके अच्छे से ब्रीफली जो है नोट्स भी बनाए होंगे, उसको जो है पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब जो है हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक है हम उस पर आ गए हैं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक भी जो है इजी है। सारे मैम कहेंगे, आप कहोगे मैम आप तो कह रहे हो सारा चैप्टर इजी है। हाँ जी, सारा चैप्टर ही इजी है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आपको जो है पूरा चैप्टर जो है इजी लगेगा। ठीक है, अब ये चैप्टर में क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने क्या पढ़ा, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कितने टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनको भी आप जो है अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना। ठीक है, और जो है उसके बाद क्या करना, वीडियो को देखने के बाद अपनी जो है एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ना, क्योंकि जो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है वो भी मैटर करता है। ठीक है, मैं आपको पूरी जो बुक एनसीईआरटी की यहाँ पे बोर्ड पे जो है नहीं लिख सकती, नहीं इतना ज़्यादा नहीं लिख सकती मैं, आप जो है अपनी बुक से उसको पढ़ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, मैं अपने टाइम को जो है और वेस्ट नहीं करती, हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है एक, उसके अंदर क्या होता है, उसमें ना तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट की प्लेस नहीं लेगा उन एटम्स की। ठीक है, और क्या होएगा, उसके अंदर कोई सब्सटेंस जो है डिसअपियर भी नहीं होगी अपने आप से, मतलब कोई एलिमेंट एटम अपने आप डिसअपियर भी नहीं होगा और ना ही अपीयर होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में असल में क्या होता है, उसमें बॉन्ड्स बनते हैं और ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बनेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस मिलेगा, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। अब हम देखते हैं कितने टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती हैं। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शंस है, 5 टाइप की रिएक्शंस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में जो है ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपनी जो है रिएक्शन पे आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना और नोट डाउन भी करना। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। और क्या बनाते हैं, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो वो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बनेगा या फिर वो कंपाउंड्स का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ये जो है बेसिकली 3 टाइप्स में हम पढ़ेंगे इसको। थ्री टाइप्स बन जाती हैं इसकी, यहाँ से देखते हैं कैसे। नंबर 1, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट्स। इसको छोड़ दो, यहाँ से देखो, दो ये दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट्स करते और हमारे पास क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या है, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 1 प्लस एलिमेंट नंबर 2 गिव्स अ कंपाउंड। या तो ये रिएक्शन हो सकती है आपकी, पहला टाइप तो ये बन गया कि एक एलिमेंट टाइप में क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ और क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। इसका अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, कंपाउंड 1 प्लस कंपाउंड 2 गिव्स अ कंपाउंड। ठीक है, ये आपकी दूसरी टाइप हो सकती है। हमने इस केस में क्या कर लिया, एक कंपाउंड ले लिया 1, एक कंपाउंड ले लिया 2, उससे एक हमारे पास एक थर्ड कंपाउंड बन रहा है, जो किसका बन रहा है, प्रोडक्ट का बन रहा है। ये यहाँ से हमारे पास क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल भी अभी हम देखेंगे कि इस टाइप के कौन से एग्जांपल्स होते हैं। थर्ड, एक एलिमेंट ले लो और एक कंपाउंड ले लो, उससे आपके पास एक कंपाउंड बन रहा है।
ये भी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। हम इसका एग्जांपल भी जो है देखेंगे। तो बेसिकली अब आपने यहाँ से क्या समझा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जो कंबाइन कर रही है एक दूसरे को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मतलब कंबाइन करना, कि दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन हो रही है और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार डिफाइन दोबारा से देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, जिसके अंदर ये एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा। ठीक है, दोनों आपस में क्या किए हैं, रिएक्ट किए हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, सेकेंड अ केमिकल रिएक्शन इन विच, इसको काट दो, टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट्स, जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करें और हमें क्या मिला, एक सिंगल कंपाउंड मिला है। तो कंपाउंड वन कंपाउंड टू गिव्स कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट, ये आपके पास सेकेंड टाइप होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एंड थर्ड वन इज एक एलिमेंट ने कंबाइन किया और एक कंपाउंड ने कंबाइन किया और हमें एक कंपाउंड मिला है प्रोडक्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से, एक बार इसे देख लीजिए अच्छे से, फिर हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, हम पहली टाइप देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने एग्जांपल लिया है ए प्लस बी गिव्स ए बी, ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट वन है, ये मान लेते हैं एलिमेंट क्या है, टू है, और इन्होंने हमें क्या दे दिया है, कंपाउंड दे दिया एक। यही रिएक्शन थी ना, जब हमने कॉम्बिनेशन हुआ दो एलिमेंट्स का और उन्होंने क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया। एग्जांपल ले लिया, अगर हमारे पास कोई भी ए एक क्या है, एलिमेंट है ए, और ये एलिमेंट क्या है बी, एलिमेंट टू है, इसने क्या दिया है, कंपाउंड दिया है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, याद आया कुछ, पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत आपसे ये डिस्कस किया था, दोबारा से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप वन है और एक्टिविटी कौन सी है आपकी, एनसीईआरटी की 1.1 है। सबसे पहले पेज पे जो एक्टिविटी नजर आएगी वही ये एक एक्टिविटी है, क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है इस रिएक्शन में, दो टाइप से हम ये रिएक्शन करेंगे, एक तो करेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करेंगे इसको, और एक करेंगे इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, हमने एक्टिविटी में क्या किया पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब उसको हम बर्न करते हैं तो वो हमारी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, डैजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है एक तरह से। ठीक है, किसकी होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। चलिए देखते एक बार, जब हमने इस एक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पे किया यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे किया, जो मैग्नीशियम है वो क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ और उसने क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिखने से पहले बैलेंस करते हैं ना, अभी ये क्या है, अनबैलेंस है, स्केलेटन रिएक्शन है, इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे और इंफॉर्मेटिव भी बनाएंगे। लास्ट स्टेप में पढ़ा था ना इंफॉर्मेटिव, हमें तो नहीं पता कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, नहीं लिखा था रिएक्शन में, तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, टू है, यहाँ पे वन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टू लगा दिए, यहाँ पे भी टू हो गए, लेकिन जैसे हमने टू ऑक्सीजन लगाए तो मैग्नीशियम भी टू हो गए, तो मैग्नीशियम के आगे टू लग जाएगा, तो ये रिएक्शन हमारे पास कैसी हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब हमने क्या किया है, इसको इंफॉर्मेटिव भी बना दिया है, यहाँ पे सॉलिड लगा दिया है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस में है, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो MgO सॉलिड में बना है। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है वैसे तो ये, तो ये क्या बना है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब देखो ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, ये भी आपके पास एक एलिमेंट है, और ये आपके पास क्या बना है, कंपाउंड बना है, यानी कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड की टाइप है। ये तो हमने बात की थी 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जब हमने ये रिएक्शन कराई है। अगर हम ये रिएक्शन को स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमने हीट इसको करा है, बहुत टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से अबव हमने टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया है, तो क्या होगा, सेम रिएक्शन आएगी, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हीट भी प्रोड्यूस हुई है, लाइट भी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी थी टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करके, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले ये बैलेंस थे, इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, फिर साथ में इसमें क्या हो रहा है, हीट भी निकल रही है और लाइट भी निकल रही है। कौन सी लाइट निकलेगी, डैजलिंग वाइट लाइट,
इसकी जो है लेयर बननी होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें से हीट भी निकल रही है, तो साथ साथ कौन सी रिएक्शन हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। जिस रिएक्शंस में से हीट रिलीज होती है वो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ना, कौन सी होती है वो रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। इसमें भी यही था, ये भी एक एलिमेंट है ये भी एक एलिमेंट है, और ये क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। चलिए इस एक्टिविटी में एक क्वेश्चन आता है कि हम इस रिबन को बर्न करने से पहले, यानी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, इसको सैंड पेपर के साथ रब क्यों करते हैं, क्यों ड्राई करते हैं। ये आपके पास एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर जो है मैं बताती हूँ आपको क्या है। ये जो वाइट लेयर बन रही है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इस लेयर को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। इसको एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक्टिविटी 1.1 पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया है कि हाँ, जो आपके पास वाइट लेयर बनती है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, सैंड पेपर के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, ठीक है, वो लेयर ना बने इसलिए रब करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज एडवाइज टू वेयर आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, आपको ऐसे एडवाइस क्यों किया जाता है कि एक स्पेक्टिकल्स या कोई वो वेयर कर लो, आई को प्रोटेक्ट कर लो, क्यों कहा जाता है ऐसा, क्या रीज़न है वाई ऐसा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है ना, डैजलिंग वाइट लाइट। ये जो वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई है, इसके अंदर ना अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर यूवी रेज जो है आपकी प्रेजेंस होती है, प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसमें होती है, सन में होती है, ठीक है। तभी मना करते हैं ना कि सन को ऐसे डायरेक्ट नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, उससे क्या होता है आपकी जो आईज है वो डैमेज हो सकती हैं, परमानेंट भी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अवॉइड करते हैं कि जो वाइट लाइट आपके मैग्नीशियम रिबन से जो प्रोड्यूस होनी है रिएक्शन होने के बाद, उसे जो है डायरेक्ट नहीं देखना है, आपकी आईज को हार्म करेगा। इसीलिए क्या करते हैं, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप क्या करें, आईज को प्रोटेक्ट करें, कवर कर ले रिएक्शन करने से पहले किसी चीज़ से, ठीक है। एक परमानेंट डिसीज का नेम भी है, फोटोकैरेट्स हो जाती है इससे, फोटोकैरेट्स भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग देख लेना एक बार इसके, या फिर परमानेंट जो है आपकी आईज की जो रोशनी है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ जी, एक और एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल की बर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है टाइप वन की। इसमें क्या है, ये एलिमेंट वन है कोल, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, ये आपका एलिमेंट टू आ गया, और इसने हमें क्या दी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, क्या आ गया, कंपाउंड वन आ गया, मतलब कंपाउंड आ गया आपके प्रोडक्ट में, ठीक है, समझ आ गया, यहाँ से क्लियर हुआ। दो एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियरली बता दिए इनके। चलिए अब हमने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू गिव कंपाउंड। जी बच्चों, टाइप टू पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और एक हमारे पास क्या बना रहे हैं, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल से बताते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, कंपाउंड वन हो गया, ये कंपाउंड टू हो गया, ये आपस में कंपाउंड करके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सिंगल कंपाउंड का, ठीक है, कंबाइन हो गए, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है इस रिएक्शन की। चलिए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं, क्यूक लाइम विद वाटर, रिएक्शन हो रही है क्यूक लाइम विद वाटर की। अब आप बात करोगे कि मैम क्यूक लाइम क्या होता है, हाँ जी बेटा, क्यूक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये इसका केमिकल नेम है। क्यूक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ। वाटर क्या है, H2O, यानी कि डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। डाइहाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन, और मोनो मतलब सिंगल, वन के लिए यूज होता है और एक ऑक्सीजन लगी हुई है, ठीक है, क्यूक लाइम विथ वाटर। चलिए इनकी रिएक्शन देखते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, यानी कि क्यूक लाइम आ गया, और केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड।
ये रिएक्ट किया है वाटर के साथ और क्या बनाया है इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन कैसे सी है, अभी हमें बताया नहीं कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। इसको क्या करते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, और ये आपके पास क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, पानी में बनेगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। और इस रिएक्शन में से क्या हो रही है, हीट निकल रही है। अब जिन रिएक्शन में से हीट इवॉल्व होती है वो कौन से रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक भी बनेगी, ठीक है। और इसका हम क्या बोलते हैं, वैसे इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है आपके पास, लेकिन इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं और वाइट वॉश, जैसे घर में आपकी सफेदी वगैरह होती है वो यही है, यही बनता है वो वाइट वॉश। स्लेट लाइम भी बोल सकते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं, वाइट वॉश भी बोलते हैं इसका, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, ये आपके पास कंपाउंड वन था, ये आपके पास कंपाउंड टू था, और इसने क्या बनाया, एक कंपाउंड थ्री बनाया है। तो ये भी क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी 1.2.1 है, ठीक है। बाय वर्ड जो है इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्या होता है इस रिएक्शन में, जो आपके पास ये क्विक लाइम है, इसको जैसे ही हम पानी के अंदर ऐड करते हैं, जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर ऐड किया है, तो क्या होता है, हीट निकलनी स्टार्ट होती है, हीट रिलीज होती है। यानी कि क्या है आपके पास, है कौन सी रिएक्शन, है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, स्टीम निकलती है, और क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आप देखोगे आपको कैसे पता लगा हीट निकली है, जैसे स्टीम, ऐसे स्टीम बाहर निकल रही है, डैट मीन्स कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वो किस साउंड के साथ निकल रही है, हिस्से से साउंड निकल रही है थोड़ी उसमें से, ठीक है। तो ये आप अपनी एक्टिविटी 1.2.1 वहाँ से बाय वर्ड जो है पढ़ सकते हो। जो ये रिएक्शन होती है बहुत विग्रस होती है, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है इस वाली। विग्रस मतलब बहुत फास्ट, ये आपकी एनसीईआरटी में वर्ड यूज हुआ है, विग्रस मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है, हम डिस्कस करते हैं ज़रा। हाँ जी, क्वेश्चन आता है। अब आप देखते हो, अगर आपके घर में वाइट वॉश हुई है, आपके घर में पेंट हुआ है, तो पेंटर क्या कहता है कि 2-3 दिन के बाद जो है अच्छे से क्या होएगा, एक कलर जो है आपका सही लगने लगेगा, अच्छे से ये जो है खिलेगा, ठीक है। ऐसे बोलते हैं 2-3 दिन लगेगा, उसके बाद सही हो जाएगा सारा पेंट, आपको अच्छे से जो है नज़र आने लगेगा और अच्छे से जो है दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम रिएक्शन के थ्रू इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो हमने बनाया था पिछले प्रोसेस में, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था, उससे हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं, इसे वाइट वॉश बोल सकते हैं, स्लेक लाइम बोल सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका केमिकल नेम तो है ही है। अब क्या हुआ है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, पता ही आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है कितनी, 0.003 इतने कुछ परसेंट अप्रॉक्सीमेटली, देख लेना। फिर उससे क्या बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसे बनता है, मिल्की सॉल्यूशन बनता है, मिल्की मिल्की कलर का बनता है, ठीक है। और क्या होता है, ये H2O, ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट है, ये उड़ जाता है। तो इसके जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये मिल्की सॉल्यूशन बनता है, इसकी वजह से जो आपको जो पेंट है वो उसका कलर कैसे दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपके आपसे पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस जो इस वाली रिएक्शन है, इस वाली केमिकल रिएक्शन से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि राइट द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम जो से हम जो डेली यूज़ में जिससे बुला सकते हैं, क्या होता है, मार्बल हो गया, लाइम स्टोन, चौक, और एग शेल। एग की शेल्स होती है वो भी इसी से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। चलिए हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट जो हमारी इस कॉम्बिनेशन के टाइप में है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट का जो है आपस में कंबाइन होना, ये आप बताएंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन से। इसको आप जो है अपनी इस क्लास 10th में चैप्टर 6 में जो है ब्रीफली पढ़ोगे इस बारे में, बायोलॉजी में, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अगर आपको जो है सर्वाइव करना है, आपको जिंदा रहना है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, देखते हैं यहाँ से।
अब आपको क्या करना है, सर्वाइव करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, है ना, फूड चाहिए। फूड कोई कुछ भी हो सकता है, राइस, ब्रेड, पल्सिस जो दालें वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स, दालें वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा, ये लिख लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सर्वाइव करना है, यहाँ से आपको सर्वाइव करना है। उसके लिए आपको फूड की ज़रूरत है, फूड जैसे कि ये सब हो गए, ठीक है। अब इनके फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये राइस सब इनके साथ, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। अब हमने खाना खाया है, हम क्या कर रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ये क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। किस में ब्रेक डाउन हो जाती है, ग्लूकोज बनाती है ये। क्या बनाती है, इसने क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज क्या हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, ये तो पता है आपको, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है, जुड़ा है, और इसने क्या बना लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर बना लिया। तो ये किसकी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और हमारा जो फूड है वो क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं क्या हुआ हमारे पास, ये रिएक्शन बनती है। यहाँ से मैंने आपको ये सारा इसलिए बताया, ये रिएक्शन बताने के लिए, रिएक्शन बनी कैसे है, और इसको आप ब्रीफली पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ से हमें जो है सर्वाइव करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है। फूड जैसे राइस, ब्रेड, कुछ भी हो गया, इसके अंदर क्या होती है प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, यानी कि कार्ब्स होती है, ठीक है। अब जब हम खाने को डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाती है किसके अंदर, ग्लूकोज में। किसके अंदर टूटती है, ग्लूकोज में टूटती है। तो ये ग्लूकोज का काम क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी की जो सेल्स है उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या होता है, ये रिएक्ट करता है, और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और वाटर बनता है, ठीक है। तो देखते हैं ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन था ग्लूकोज, ये क्या हुआ आपके पास, एक कंपाउंड हुआ ना, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या हुई है आपके पास, ये एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। रिएक्शन किसका पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये कंपाउंड हुआ, ये एलिमेंट हुआ, आपस में रिएक्ट किया, इन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड ये कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कंपाउंड ये वाटर बनाया, और साथ में क्या मिली आपको, एनर्जी मिली, है ना। तो ये आपका प्रोसेस है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है, इसको आप अपने चैप्टर नंबर 6 में 10th क्लास के इसको अच्छे से ब्रीफली जो है पढ़ोगे। अब मैं आपको जो है पूरे वर्ड जो है बोर्ड पे नहीं लिख सकती, जो है मैं आपको रिएक्शन समझा रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे, आपको अच्छे से क्लियर होगी, बाय वर्ड्स पढ़ोगे, आपको एक एक वर्ड जो मैंने डिक्टेट कर दिया है, बाय वर्ड्स आप अपनी लैंग्वेज में जो है वहाँ से लिख सकते हो, और वैसे मैंने आपको समझाया, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, बट एक बार अपनी बुक को भी जो है पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट पे रिएक्शन पे आते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शन कौन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब इन्वर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आपकी रिएक्शन जो है इन्वर्स है कॉम्बिनेशन के, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या किया था, उसके अंदर दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड, ये आपस में क्या कर रहे थे, जुड़ रहे थे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन क्या है, इन्वर्स है कॉम्बिनेशन का, यानी कि क्या होना, ब्रेक डाउन होना, टूटना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसकी डिफाइन पढ़ते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। ये ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है दो इंटू टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। एक सिंगल कंपाउंड का ब्रेक होना दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, इन्वर्स है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आगे देख लिए, व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, इसमें क्या करते हैं, हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं, मतलब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिंगल कंपाउंड है उसको एनर्जी देंगे ताकि वो टूट जाए कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में। और ये एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हैं, हम हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और सनलाइट की फॉर्म में। अच्छा ठीक है, हमने अब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिस रिएक्शंस में हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं,
वो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है ना, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी है। ठीक है, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या है। आपके पास ये कंपाउंड है ए बी, इसको हमने क्या दी, हीट दी, एनर्जी दी, ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया एक एलिमेंट में वन और एक ही एलिमेंट में टू। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने वाली जो रिएक्शन है, जो जिसमें टूट जाते हैं हमारे कंपाउंड्स, एक सिंगल कंपाउंड फर्दर एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे बनती है इस रिएक्शन में, हम जो है एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी किसकी सप्लाई करते हैं, फॉर्म में हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और सनलाइट की फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में हम क्या करते हैं इस रिएक्शन को एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि ये ब्रेक डाउन हो जाए और रिएक्शन फर्दर चलती रहे। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जी सप्लाइड करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तीन फॉर्म में जो है सप्लाई करते हैं, सबसे वन हीट की फॉर्म में, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सनलाइट की फॉर्म में। ठीक है, हम इन तीन टाइप की रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हीट दी है हमने किसी रिएक्शन को, कंपाउंड को, उसको ब्रेक करा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस या फिर थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मोलाइसिस मतलब थर्मो से हीट ले हीट, और लाइसिस मतलब ब्रेक होना, मतलब हीट की हेल्प से ब्रेक होना। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेके, और लाइसिस मतलब ब्रेक होना, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है ब्रेक होना, उस डिकम्पोजिशन को बोलते हैं। सनलाइट में क्या है, फोटो, यानी कि फोटोन प्लस लाइसिस। फोटोन जो है लाइट की स्पीड से जो है ट्रेवल करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फोटोन यानी सनलाइट की हेल्प से जो है ब्रेक डाउन होना किसी कंपाउंड का, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये तीनों रिएक्शन है, तीनों के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रही है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और जिस हमने रिएक्शन पढ़ी है, जिसके अंदर हमने डिफाइन ये पढ़ी है, जिसके अंदर हम हीट देते हैं, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ये भी आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम इसमें क्या है, एनर्जी दे रहे हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या हीट होती है, सनलाइट में भी हीट होती है। डैट मीन्स ये रिएक्शन आपके पास कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस का जो है एग्जांपल है। चलिए हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर आपको जो है अच्छे से ये क्लियर होगा। हाँ जी बच्चों, एक एग्जांपल है थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेट फेरस सल्फेट। थर्मोलाइसिस पढ़ रहे हम इसकी हाइड्रेट फेरस सल्फेट की। हाइड्रेट फेरस सल्फेट हमारे पास क्या है, Fe SO4 7 H2O। हाइड्रेट मतलब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट है यहाँ से। ठीक है, इसके पास क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्या आपके पास लगे हुए, वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक होता है ना दो, उसमें दो कंपाउंड्स में, या एलिमेंट्स में भी कह सकते हैं, ये दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। हमने क्या किया, इस फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को, मतलब हेप्टा मीन्स 7 हाइड्रोजन, जो हाइड्रेट वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे, इसलिए इसका नाम हेप्टाहाइड्रेट बना है, इसको क्या करा है हमने, हीट किया है। जब इसको हमने हीट किया है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास, ये क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और निकल जाएंगे। आपके पास क्या बनेगा, वाइट एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बनेगा, आपके पास वाइट एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बनेगा। एनहाइड्रेस मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, उसको एनहाइड्रेस बोलते हैं, एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से हीट कर देंगे, फर्दर हीटिंग, दोबारा से उसको हमने हीट किया, फिर एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा है, रेडिश कलर है। ये कौन सा कलर था, वाइट कलर था, उससे क्या बना है, रेड कलर की फेरिक ऑक्साइड बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड निकली, मतलब गैस बाहर निकल गई, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस इसमें से बाहर निकली है, ये हमारे पास जो है एक कंपाउंड बना है। तो मतलब ये है ना, एक कंपाउंड था, हमने कंपाउंड को क्या किया, ब्रेक किया, एक कंपाउंड ये बना, एक कंपाउंड ये बना और एक कंपाउंड ये बना। ये क्या है हमारे पास, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना कंपाउंड का, एक से ज़्यादा कंपाउंड में, या फिर अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स में भी ब्रेक होना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंपाउंड क्या हुआ, ब्रेक हुआ है तीन कंपाउंड्स में।
ठीक है, तो आपके पास कौन सी है, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये फेरस सल्फेट था जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट था, हेप्टाहाइड्रेट, हमने इसको हीट किया, हमारे पास वाइट एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बना और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल गए। अब दोबारा से हमने इसको हीट किया तो हमारे पास ये क्या बना है, एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बना है, और इसको दोबारा से हमने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकली है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर निकली है। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है थर्मोलाइसिस ऑफ फेरस सल्फेट का। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, जब आप इस रिएक्शन की जो है डिफाइन भी लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, पूछी जाएगी आपसे डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो आप उसके अंदर जो है आपको एक एक रिएक्शन जो है अपनी लर्न भी करनी पड़ेगी, देखनी भी पड़ेगी कि कैसे होनी है, उसका एग्जांपल भी जो है आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये रिएक्शन पता चल गई कैसे होती है, तो आप इसे जो है अच्छे से लिख सकते हैं। और आपकी एक्टिविटी है, मैं इस एक्टिविटी को बताती हूँ कि जो एग्ज़ाम है इसमें कैसे क्वेश्चन आता है इस एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, अब आपकी ये एक्टिविटी है 1.5, एनसीईआरटी की बुक की एक्टिविटी नंबर 1.5 है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक बच्चा है वो क्या करना चाहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है स्टडी करना चाहता है, और किसकी हेल्प से करना चाहता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की हेल्प से। राइट टू प्रिकॉशंस ही मस्ट ऑब्जर्व वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। दो प्रिकॉशंस, ऐसी प्रिकॉशंस या तीन बताइए जो कि हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब आपने देखी होगी 1.5, उसमें एक लड़की दिखाई हुई है एक्सपेरिमेंट में, पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, साइड में देखिए, अब इसका आंसर जो आपको एक्टिविटी में ही मिल जाएगा, आपकी बुक में ही मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, जब आप रिएक्शन को परफॉर्म करने कर रहे होगे तो कई बच्चे क्या करते हैं, खुद टेस्ट ट्यूब को ऐसे लेके जाते हो, फिर अपने साथ वाले जो का जो फ्रेंड है उसको भी कहते हैं कि तू भी देखियो। नहीं, ये सब नहीं करना, इसको जो है अवॉइड करना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना, इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। सेकंड क्या है, वेफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड नोज। वेफ्ट मतलब जैसे आप करते हैं ना स्मेल करना है, कई बार स्मेल ऐसे करते हो, ऐसे स्मेल नहीं करनी इसके अंदर, ऐसे आपको गैस को स्मेल नहीं करना है। आप कैसे करोगे, ऐसे धीरे धीरे स्मेल से उसको क्या करोगे, पहचानोगे कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो हो गया कि नहीं हुआ। कैसे, ऐसे ऐसे, सिर्फ ऐसे आपको स्मेल नहीं करना है, ऐसे एकदम से आपको जो है उसको स्मेल नहीं करना है। ठीक है, इसको अवॉइड करना है। तो जो वेफ्टिंग इसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे करना है, स्नीजिंग नहीं करना है, स्नीज करते ना वो, उसको अवॉइड करना है, सिर्फ इसको करना है, वेफ्टिंग करनी है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, ऑलवेज वी यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर। और क्या करना है, जब आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ रहे होगे तो क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर हमेशा यूज़ करना है इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे स्मेल क्यों करते हैं, अब आपको पता है जो केमिस्ट्री है हमारी, इसमें मोस्टली रिएक्शंस हम कैसे करते हैं, स्मेल से। इसलिए स्मेल जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है हमारी केमिस्ट्री की इस लैंग्वेज में, हम जो है स्मेल करके रिएक्शन से जो पता लगा लेते हैं कि हमारे पास बना है, हमारी जो रिएक्शन है वो हो गई है नहीं हुई है। अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक हो रहा है, क्या निकल रहा है उसमें से, फेरिक ऑक्साइड निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको कैसे पता चलेगा कि निकला है, इनकी स्मेल से पता चलेगा ना, कैसे स्मेल आएगी, पंजट स्मेल आएगी। कैसे स्मेल आएगी आपको, पंजट, पंजट मीन बहुत तीखी से स्मेल आएगी, जैसे कि मैच स्टिक से नहीं आती, जब मैच स्टिक जलती वैसे स्मेल आएगी आपको। ठीक है, ऐसे कंफर्म होगा कि आपकी रिएक्शन जो है हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या आपके पास एक कंपाउंड हो गया, इसको हमने हीट दी, क्या बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया, एक कंपाउंड यही बन गया, यही हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थर्मोलाइसिस किया, इसको हीट दे के ब्रेक किया। ये आपके पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 था। ये इसको हम कॉमन नेम क्या, लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। इसको हमने हीट किया तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको हम क्यूक्लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्मोलाइसिस का एक एग्जांपल है, ये भी हो सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन आ जाता है, विच कंपाउंड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, बताइए। हाँ जी, सीमेंट को बनाने के लिए क्यूक्लाइम यूज होता है, यानी कि CaO, ये इसका आंसर है।
ठीक है, क्या किया, थर्मोलाइसिस किया हमने, डिकम्पोजिशन किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट था इसको हीट दी, ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड के आपके पास एक मेटल है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्मोलाइसिस करनी है लेड नाइट्रेट की, लेड नाइट्रेट को हमें क्या करना है, हीट दे के ब्रेक करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना आप, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेटल की नाइट्रेट है जो उसको हीट करते हैं, मेटल की नाइट्रेट जब भी हीट होती है तो आपके पास क्या बनती है, मेटल की ऑक्साइड बनेगी प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होगी। ये आपको बात याद रखनी है, जब भी आप मेटल की नाइट्रेट को थर्मोलाइसिस करते हो, हीट देते हो, तो मेटल की ऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। हमें रिएक्शन हमें आके देखते हैं, हमने क्या ली थी, लेड की नाइट्रेट ली थी, ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड बना ही है हमारे पास, इसको क्या किया हमने, हीट दी, ये हमारे पास कंपाउंड था PbNO3 ब्रैकेट बन 2, ये किसमें था, सॉलिड स्टेट में था, जब हमने इसको हीट दी तो हमारे पास क्या बना, ये लेड की ऑक्साइड बनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है। क्या किया हमने, लेड की नाइट्रेट को हीट दी, हमारे पास क्या बना, लेड की ऑक्साइड बनी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन निकली है, ठीक है। क्या हुआ, इसको रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं यहाँ से ताकि इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है यहाँ से, सॉरी ये देखो 6 यहाँ से हो गई, 12 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे 6, ठीक है, ये बैलेंस हो गई हमारे पास रिएक्शन, 2 लेड है, 2 लेड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ये 2 लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे 2 ये 2 ये है, 2 ये है, यानी कि 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, ये 8 ऑक्सीजन होगी, 2 ये होगी, ये यहाँ से अब पूरी प्रॉपर पूरी हो चुकी है, ये बैलेंस है इक्वेशन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये लेड नाइट्रेट जो है वाइट कलर का था, जैसे ही हमने इसको हीट किया है तो हमारे पास जो है येलो कलर की ऑक्साइड बनी है, जो हमारे पास रेसिड्यू बना है, मतलब रेसिड्यू बना है जो हमारे टेस्ट ट्यूब में जो है बच गया है, रेसिड्यू बच गया है हमारे पास, और इसकी क्या हुई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स बनी है ब्राउन कलर की, और ये कैसी हो गई, उड़ गई है, ऑक्सीजन भी उड़ गया है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी है, थर्मोलाइसिस हुई है लेड नाइट्रेट की। तो हमारे पास पता है, जब क्या बताया मैंने आपको, जब भी हम नाइट्रेट को ये करते हैं डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, लेड की ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ और इसको नोट डाउन कर लेना, और हाँ इसको मैं आपके वर्ड्स में नहीं लिखवा रही, बुक से पढ़ना, मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको जो चैप्टर अच्छे से समझ आए, उसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद इसे बुक से भी पढ़ना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 1.6 थी जो मैंने आपको समझाई थी, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, देख लीजिए। 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब, 2 ग्राम जो लेड नाइट्रेट पाउडर है वो हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया है। द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब इज हीटेड, उसको क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं फ्लेम के ऊपर, ठीक है। नाउ इंश्योर द फॉलोइंग, अब बताइए इसके बारे में, स्टेट द कलर ऑफ फ्यूम्स इवॉल्वड एंड द रेसिड्यू लेफ्ट, लास्ट सेक्शन पढ़िए हमें, कलर बताइए जो फ्यूम्स निकली हैं, किसकी फ्यूम्स निकली हैं, NO2 की, क्या कलर था उनका, ब्राउन, ठीक है। और रेसिड्यू क्या बचा था आपके पास, रेसिड्यू किसका बचा था आपके पास, लेड ऑक्साइड का, है ना, लेड के ऑक्साइड का रेसिड्यू बचा था, उसका कलर कैसा था, येलो था, ये तो आपका आंसर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट के पॉइंट है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये डिकम्पोजिशन है ना, और क्या पढ़ रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मोलाइसिस बोल सकते हैं इसको, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है आपके पास, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया, इसको हीट दी है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट, एंड हैज़ टेकन प्लेस, स्टेटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको लास्ट में लिखवाई थी ना इक्वेशन बैलेंस करके, वो भी आपको स्टेट करनी है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो ना इजिली,
तो आपका ये ऐसे जो एक्टिविटी की है 1.6 उस पर ये क्वेश्चन बनता है, तो इसे जो है ऐसे भी आपको पेपर में जो है इस टाइप में जो है क्वेश्चन आएगा। एक बार एक्टिविटी को भी देख लीजिए, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया, वहाँ से जो ऐसी इक्वेशन लिखी है मैंने आपको जो लास्ट में भी लिखवाई थी, थोड़ा पीछे लिखवाई थी, इसे पीछे बैक करके देखना, वो वाली केमिकल जो इक्वेशन आपको यहाँ पे स्टेट करनी है। चलिए हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो को लेकर। आपको अच्छे से आई होप ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी, ईजी है, और बुक से इसे पढ़ते रहना कि और रिएक्शंस को जो है लिख के प्रैक्टिस करना, जो है आप पढ़ोगे नहीं ऐसे, पढ़नी नहीं है भाई, ठीक है, लिखनी भी है, लिख लिख के जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको रिएक्शन जो है करनी आएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 1.7 है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका एग्जांपल है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, आप बुक से देख सकते हैं इसको कैसे, मतलब थोड़ा डायग्राम मैंने रफली बनाया आपको, आप इस बुक में से इसके स्टेप्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। आपने क्या किया, एक मग लिया है, एक प्लास्टिक का मग लिया है, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, दो होल कर दिए। कहाँ करें, नीचे से बॉटम से दो होल कर दिए, और उस होल के अंदर क्या लगा दिया, रबड़ स्टॉपर लगा दिए आपने। ये क्या है, रबड़ स्टॉपर है आपके पास, ठीक है, रबड़ स्टॉपर लगा दिए। अब आपने क्या करा है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, रबड़ स्टॉपर पे रोड लगा दिए, ग्रेफाइट की रोड लगी ना दो, एक यहाँ, ठीक है। फिर क्या करा है, इसको आपने, जो आपके पास ग्रेफाइट रोड है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी पावर कितनी है, 6 वोल्ट है। सबसे पहले क्या कि एक मग लिया, उसके अंदर दो होल्स कर दिए, उसके अंदर रबड़ वो लगाई है आपने स्टॉपर, उसके ऊपर ग्रेफाइट की रोड्स लगा दिए, उस रोड्स को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इतना प्रोसेस किया है। अब आपने क्या किया है, दो टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी जो क्या है वाटर है, उसको क्या कर दिया, इसके ऊपर डिप कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इन रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है, ये इंसर्ट कर दिया आपने इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करा है आपने, इसके अंदर मग के अंदर आपने क्या डाला है, वाटर डाला है, पानी डाल दिया है, पानी इस तरह डाला है कि जो ये रोड्स है ना, इनके अंदर भी जो है पानी लगना चाहिए, इनको भी जो है पानी इनके अंदर भी होना चाहिए, डिप होनी चाहिए अच्छे से ये, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ठीक है। और क्या करा है, पानी के साथ साथ आपने कुछ ड्रॉप्स जो है, 2-3 ड्रॉप्स किसकी डाल दिए हैं, H2SO4 की डाल दी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की 2-3 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल दिए, इंसर्ट कर दिए। अब क्या करा है आपने, जो है इस बैटरी को क्या करा है, ऑन कर दिया है, ठीक है। कि दोबारा से बताती हूँ क्या किया है आपने, एक मग लिया है, मग के नीचे आपने दो होल कर दिया, होल्स के अंदर आपने रबड़ स्टॉपर लगा दिए। अब आपने क्या किया, ग्रेफाइट की दो रोड ली हैं, वो रोड इसके ऊपर इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसको क्या कर दिया, एक बैटरी से अटैच कर दिया, जिसकी पावर 6 वोल्ट है। अब क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर भी वाटर है, उसके ऊपर क्या कर दिए, उल्टी कर दिए हैं, ताकि जो है इसको टच कर सके, और पानी का जो लेवल है पानी डाल के किया है, ठीक है। फिर इनको अटैच कर दिया आपस में, और ऊपर से क्या कर दिया, मग में वाटर डाल दिया है, वाटर के साथ 2-3 ड्रॉप्स आपने H2SO4 की भी डाल दी है, और फिर आपने इस क्या कर दिया, इस बैटरी को ऑन कर दिया। अब आप क्या प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वाटर की, यानी कि हम वाटर को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो रिएक्शन देख लीजिए, ये आपके पास वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, ये क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब ये रिएक्शन तो मैंने आपको सारी इसका बता दिया कि कैसे वर्किंग करेगा। अब ऑब्जर्वेशन क्या होएगी, आप देखोगे ये आपके पास एक ए टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास एक बी टेस्ट ट्यूब है। इस ए टेस्ट ट्यूब में जो है आपके पास ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे हैं, ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन के आपके पास क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, जिसकी, और यहाँ पे बी टेस्ट ट्यूब में आपके पास हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन के, ये कहाँ बन रहे हैं, ऑक्सीजन वाले बबल्स कहाँ बन रहे हैं, जब ये पावर कहाँ से अटैच है, एनोड पे, एनोड से अटैच हुई थी, वहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है, उसके बबल्स बन रहे हैं, और कैथोड पे क्या बन रही है आपकी, हाइड्रोजन बन रही है, उसके बबल्स बन रहे हैं। आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन वाली साइड, जो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, उसकी रेशियो है 2, और ऑक्सीजन के बबल्स की रेशियो क्या है, 1 है। ये 2:1 में जो है बन रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन आपका ज़्यादा बन रहा है और ऑक्सीजन के बबल्स जो है आपके कम बन रहे हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। एक बार इसे बुक से ही पढ़ लेना ब्रीफली। अब इसका देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वाई वो यूज H2SO4 हेयर, इसमें हम H2SO4 का क्यों यूज़ करते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का क्यों यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का हम इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो वाटर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का,
वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को इतनी इजीली कंडक्ट नहीं करता। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करता है टूट जाता है इजीली पानी के अंदर। तो क्या करें, जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है इस के अंदर, हमने वाटर के अंदर, तो क्या हुआ है वाटर जो है वीक था कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया क्योंकि हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया उसके अंदर। और ये क्या है जो एस्टियोसोफेयर है, ये जो है स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसने क्या किया हेल्प कराया है पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए। ठीक है, आप H2SO4 की जगह NaCl भी डाल सकते हो, वो भी आपके पास एक स्ट्रॉन्गली है मतलब सॉल्ट है, वो भी उसकी हेल्प से भी जो ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या बनते हैं। एक बार इस एक्टिविटी को जो है ब्रीफली जो है अपनी बुक से पढ़ लेना जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन्स इफ बर्निंग कैंडल इज ब्राउट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्या होता है एक अगर हम जली हुई जो कैंडल है वो क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाते हैं। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब वन जिसमें क्या हो रही थी ऑक्सीजन बन रही थी, और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें क्या बन रही थी हाइड्रोजन बन रही थी। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें हाइड्रोजन बन रही है ऑक्सीजन, मान लो हमें पता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे टेस्ट ट्यूब बी के पास लेके चले गए हैं जलती कैंडल को, तो क्या हुआ है एकदम से धमाका होता है टेस्ट ट्यूब में, और जो जो कैंडल है वो क्या हो जाती है बुझ जाती है पॉप साउंड के साथ, मतलब बहुत ज़ोर से जो है धमाका होता है और ये कैंडल क्या हो जाती है बुझ जाती है। तो मतलब क्या है ये क्या बता रही है कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या बता रही है प्रेजेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बी वाली जो ए वाली है इसके पास लेके जाते हैं तो इसके होता है इस केस में और ब्राइटली जलना स्टार्ट हो जाती है कैंडल, जो और तेजी से जलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, ये बताती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके अंदर, क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्यों बताई है इसने, कैसे बताई है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम्बस्टल जो कम्बंशन को जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या हुआ ओवर ज़्यादा ब्राइटली जो है जलना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए इसने क्या बताया कि टेस्ट ट्यूब ए में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे पता लगती है और ऑक्सीजन की, अगर आपके जो टेस्ट ट्यूब में पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई और मोमबत्ती क्या होगी बुझ गई है, तो यानी कि हाइड्रोजन है उसमें प्रेजेंट, और जिसमें क्या हुआ कैंडल जो है और ब्राइटली चलने लगी है तो वो क्या बता रही है ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन नंबर आंसर यहाँ से हो गया, आप इसको लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, मैंने आपको बता दिया। सेकेंड है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, नेम द गैस फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे कौन सी गैस बनती है और कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, कौन सी बनती है, एनोड पे ऑक्सीजन बनती है देखी थी आपने एक्सपेरिमेंट में, और कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है, यहाँ से लिख सकते हो ना आप। नेक्स्ट, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रो डबल देन द अदर। एक जो गैस का जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ वो दूसरे वाले जो उस पर वो कम क्यों बना, मतलब कि रेशियो क्या बनी है 2:1 बनी है ना। तो इसमें क्या करोगे आप रिएक्शन दिखा दोगे लिख के, जो रिएक्शन थी क्या हुई थी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हुई थी, वाटर लिक्विड स्टेट में था, ब्रेक हुआ क्या बनाई इसने ऑक्सीजन बनाया और वाटर बनाया। ठीक है, यहाँ से यही निकली ना, ये आपके पास लिक्विड स्टेट में था ये गैस, ये बने आपके पास, या आप रिएक्शन लिख दोगे इसको बैलेंस करके। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू द वाटर। अब आपको मैंने बताया था कि H2SO4 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो वीक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो इतनी ज़्यादा जो उसके अपने आयन्स पे ब्रेक होता है, जैसे कि होता है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, ये जो वीकली ब्रेक होता है आयनाइज, और उनकी स्पीड जो रिएक्शन की वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम H2SO4 ऐड करेंगे, ये कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसे ब्रेक होएगा H पॉजिटिव में SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगी, ये आयन्स जो है इसमें ब्रेक हो गया, ये क्या करता है ये जो है आयनाइज हो गया ईजिली और स्ट्रांगली हुआ है, और ये क्या कर रहा है स्पीड जो है रिएक्शन की उसको इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो मतलब मूव करता है फास्ट मूव करता है, इसकी वजह से जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज होती है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो ज़्यादा इंक्रीज होएगी जब हम H2SO4 को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन के सारे आंसर एक्टिविटी के अंदर ही है, एक्टिविटी को बाय वर्ड पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए हम अपने आगे प्रोसेस पर चलते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए क्वेश्चन को, एक बार इस टाइप में आ जाता है क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट हम पढ़ रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं फोटोलाइसिस मतलब लाइट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी आपके पास क्या है कंपाउंड है एक,
ये आपके पास क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है, ये भी एक क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है। यानी कि मैंने बताया था कि कंपाउंड दो एलिमेंट्स में ब्रेक हो सकता है और कंपाउंड्स में ब्रेक हो सकता है। लास्ट एग्जांपल्स में हमने कंपाउंड्स में ब्रेक किया था, यहाँ पे एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है। ये आपके पास क्या है, AgCl है, ये व्हाइट कलर का है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ी है आके, ठीक है, ये कैसा हो गया, ग्रे कलर के Ag में टूट गया, सिल्वर में टूट गया और ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकल रही है क्लोरीन की, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने Ag या Br लिया है, ये कैसा है, येलो कलर का, इसके ऊपर लाइट पड़ी है, ये क्या हुआ, ग्रे कलर का, ग्रे ही बनेगा सिल्वर तो, और जो ब्रोमीन की निकली है गैस वो रेडिश ब्राउन कलर की निकली है, ये गैस बन के वेपर्स बने उड़ गए, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कंपाउंड था, किस में ब्रेक हुआ है, एलिमेंट्स में ब्रेक हुआ है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, फोटोलाइसिस रिकम्पोजिशन है। अब देख लीजिए जो ये प्रोसेस है, ये ना ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ हो जाता है। ब्लैक वाइट फोटोग्राफी क्या होती है, कि जो आपका ये मटेरियल है ना AgBr, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ये आपके पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये क्या करता है, सोल्ट फिल्म, जो आपके पास फोटोग्राफी फिल्म होती है ना, उसके ऊपर जाके उसकी लेयर पे लग जाता है जाके। फिर जैसे ही लाइट पड़ती है ना इसमें से, जो आपका ये सेपरेट हो जाता है, ये इसको सेपरेट कर देगा और ब्रोमीन जो है सेपरेट हो जाएगा, इसका काम होता है ये, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है। जैसे ही लाइट पड़ी, ये लेयर पे लगा फोटोग्राफी के जाके, फिर ये सोल्ट क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है और ये अलग हो जाता है। इसलिए कहाँ पे यूज़ होता है, ये ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के अंदर ये यूज़ होता है। तो फोटोलाइसिस में आप जो ये दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए रिएक्शन को भी। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको जो आज पढ़ाया आपको अच्छे से जो है क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज़ क्योंकि ये लंबी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसके अंदर मैंने आपको पूरी रिएक्शन समझाई। रिएक्शंस के साथ कुछ एग्जांपल्स भी है, वो भी आपको क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको पढ़ना, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है उसको क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और इन केमिकल रिएक्शन को जो बची हैं आगे आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नोट्स प्रिपेयर करना, अच्छे से रिएक्शन की प्रिपरेशन करना, उनको लिख के करके देखना, पढ़नी नहीं है सिर्फ, लिख रिटन प्रैक्टिस जो है वो भी ज़्यादा आपके लिए नेसेसरी है, रिटन प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, दोबारा से देखना, दो बार देखना, तभी आपको रिएक्शन जो समझाइए क्लियर होंगी। एक्टिविटीज़ को बुक में से पढ़नी है, एनसीईआरटी क्लियरली बाय वर्ड्स पढ़नी है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं इतना बड़ा जो लेक्चर है वो बोर्ड पे नहीं लिख सकती, इतने सारे नोट्स में नहीं बना सकती, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप क्या करना, इसे बुक से पढ़ना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को जो है प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि जो मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो आपको टाइमली मिल सके और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, ठीक है। और जिसने मेरी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रेजेंट है, आप वहाँ पे जाके जो है वीडियो, पहले वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो उसकी दो वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड दो वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर की, आप वहाँ से जो है उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, we'll meet you in the next video, bye।